की संख्या में तो लोग जुटे हैं और इससे चार गुनी भीड़ जहां तहां सरकार के तरफ से या प्रशासन के तरफ से जेपी सेतु जाम करवा दिया गया है, कोइलवर पुल जाम है, गांधी सेतु जाम है, बाईपास के आगे जाम लगाया गया है। तो ये प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा सरकार द्वारा लगातार प्रयास जारी है इस कार्यक्रम को सफल कराने का, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में लाख कठिनाइयों के बाद गांधी सेतु पर गाड़ियां फंसी है, वहां से लोग पैदल आ रहे हैं, जेपी सेतु से लोग पैदल आ रहे हैं, कोइलवर पुल से जिस तरह से येन क्रेन प्रकारेण बस से, टेम्पो से, रिक्शा से, साइकिल से, जिसको जैसे हुआ है गाड़ी वहीं लगा कर लोग पहुँच रहे हैं। तो ये सरकार के द्वारा साजिश रची जा रही है, कम भीड़ पहुँचे, लेकिन सरकार इस गलतफहमी में, ये ब्रह्मर्षि है, ये परशुराम वंशज है, अगर अपने घर से यहाँ से 200 किलोमीटर से भी पैदल चलकर गांधी मैदान आने की नौबत पड़ेगी तो परशुराम वंशज गांधी मैदान पहुँचे। मनसा है, सबसे पहले तो हम अपनी एकता का परिचय देना चाहते हैं। जो सरकारें, जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनेता अपने जहन में ये भ्रम पाले हुए हैं कि कभी भूमिहार ब्राह्मण एक नहीं हो सकता, सबसे पहले तो ये उनको ठोस संदेश है कि जब जब हमारे ऊपर कुठाराघात होगा, जब जब हमारे अधिकारों को छीना जाएगा, तब तब संगठित होकर हम अपने हक व हकों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। सत्ता में बहुत सारे भूमिहार समाज के नेता भी हैं, उनके रहने के बावजूद आपको ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? सर अभी तो शुरुआत है, अभी संघर्ष बहुत करना है। हमने प्रण किया है कि पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी भूमिहार और ब्राह्मण समाज के लोग होंगे, जब तक उनको जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा संघर्ष। सर आशुतोष जी, इस सत्ता में बहुत सारे भूमिहार नेता हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भूमिहार नेता हैं वो चुनाव के टाइम के लिए भूमिहार है, चुनाव के बाद कोई भाजपाई, कोई कांग्रेसी, कोई सेकुलर और कोई हिंदू नेता बन जाता है। चुनाव सर आगामी, हम तो चाहते हैं कि जो हमारी बात करेगा वो हम पर राज करेगा, सर 2020 में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जिसके साथ में हम लोग रहे, उन पार्टियों की रैली सभाओं को हमने सफल करवाया, उनमें भीड़ हमने जुटवाया, टेंट समयाना पंडाल हमने लगाया, इनके लिए इलेक्शन के दिन बूथ पर लाठी गोली हमने खाया और चलाया, अपने जेब से पैसा खर्च करके इनके लिए वोटर कार्यकर्ता तैयार किया, पत्रकारिता के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाय की दुकान पर, पान के गुमटी पर हमने माहौल तैयार किया, और चुनावी घोषणा पत्र में जब योजनाओं की बारी आती है तो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए योजनाएं होती हैं, लेकिन गरीब सवर्णों के लिए इनके पास कोई योजना नहीं होती। हम यह बात नहीं करते कि आप दलितों पिछड़ों की बात क्यों कर रहे हैं, इस देश के संसाधन पर जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार दलितों का भी है, लेकिन सरकार और पार्टियाँ यह भी माने कि हमारे समाज में गरीबी है और उसके लिए भी उनके पास योजनाएं होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं का क्या मैसेज देना? सरकार को ठोस संदेश देंगे कि आप हमें मजाक समझने की भूल मत कीजिए, वरना आपके साथ मजाक हो जाएगा। ये जो लाखों की संख्या में ब्रह्मर्षि हैं, ब्रह्मर्षि का एक एक बच्चा कम से कम 10-10 वोट का ठेकेदार होता है। आज आपको इस मंच से, इस सभा के माध्यम से 1 करोड़ वोट का नुकसान होता दिखेगा, आपको मजबूरन हमारी बात करनी पड़ेगी, और अन्यथा हम दूसरा विकल्प चुनने को तैयार होंगे, विकल्प देने को तैयार होंगे। कार्यकर्ता को क्या मैसेज देना चाहेंगे जी? कार्यकर्ता को सर यहाँ अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।